Om Shanti, 30 June, Avyakt Murli, Revised Date, 19 December, 84, Topic, Sarva Srest, Sahaj, Tatha Spast Marg. Aaj Bap Dada, Vishesh Snehi, Sada Saath Nibhane Wale, Apne Saathiyo Ko Dekh Rahe Hai, Saathi, Arthat Sada Saath Rehne Wale, Har Karma Mein, संकल्प में साथ निभाने वाले, हर कदम पर कदम रख आगे बढ़ने वाले, एक कदम भी मन मत पर मत पर उठाने वाले नहीं, सदा साथी के साथ निभाने वाले, सदा सहज मार्ग का अनुभव करते हैं, क्योंकि बाप व श्रेष्ठ साथी हर कदम रखते हुए रास्ता स्पष्ट और साफ कर देते हैं। आप सबको सिर्फ कदम के ऊपर कदम रखकर चलना है। रास्ता सही है, सहज है, स्पष्ट है, यह सोचने की भी आवश्यकता नहीं। जहां बाप का कदम है वह है ही श्रेष्ठ रास्ता। सिर्फ कदम रखो और हर कदम में पदम लो। कितना सहज है, बाप साथी बन साथ निभाने के लिए साकार माध्यम द्वारा हर कदम रूपी कर्म करके दिखाने के लिए साकार सृष्टि पर अवतरित होते हैं। यह भी सहज करने के लिए साकार को माध्यम बनाया है। साकार में फॉलो करना व कदम पर कदम रखना तो सहज है ना? श्रेष्ठ साथी ने साथियों के लिए इतना सहज मार्ग बताया क्योंकि बाप साथी जानते हैं कि जिन साथियों को साथी बनाया है यह बहुत भटके हुए होने के कारण थके हुए हैं, निराश हैं, निर्बल हैं, मुश्किल समझ दिल शिकस्त हो गए हैं। इसलिए सहज से सहज सिर्फ कदम पर कदम रखो, यही सहज साधन बताते हैं। सिर्फ कदम रखना आपका काम है, चलाना, पार पहुंचाना, कदम कदम पर बल भरना, थकावट मिटाना, यह सब साथी का काम है। सिर्फ कदम नहीं हटाओ, सिर्फ कदम रखना यह तो मुश्किल नहीं है ना? कदम रखना अर्थात संकल्प करना, जो साथी कहेंगे जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे, अपना नहीं चलाएंगे। अपना चलाना अर्थात चिल्लाना, तो ऐसा कदम रखना आता है ना? क्या यह मुश्किल है? जिम्मेवारी लेने वाला जिम्मेवारी ले रहे हैं तो उसके ऊपर जिम्मेवारी सौंपनी नहीं आती है? जब साकार माध्यम को मार्गदर्शन स्वरूप बनाए सैंपल भी रखा, फिर मार्ग पर चलना मुश्किल क्यों? सहज साधन सेकंड का साधन है, जो साकार रूप में ब्रह्मा बाप ने जैसे किया जो किया वही करना है, फॉलो फादर करना है। हर संकल्प को वेरीफाई करो, बाप का संकल्प सो मेरा संकल्प है। कॉपी करना भी नहीं आता, दुनिया वाले कॉपी करने से रोकते हैं और यहाँ तो करना ही है, सिर्फ कॉपी है, तो सहज हुआ या मुश्किल हुआ? जब सहज सरल स्पष्ट रास्ता मिल गया तो फॉलो करो, और रास्तों पर जाते ही क्यों हो? और रास्ता अर्थात व्यर्थ संकल्प रूपी रास्ता, कमजोरी के संकल्प रूपी रास्ता, कलयुगी आकर्षण के भिन्न भिन्न संकल्पों का रास्ता, इन रास्तों द्वारा उलझन के जंगल में पहुंच जाते हो, जहां से जितना निकलने की कोशिश करते हो उतना चारों ओर कांटे होने के कारण निकल नहीं पाते हो। कांटे क्या होते हैं? कहां क्या होगा या क्या का कांटा लगता, कहां क्यों का कांटा लगता, कहां कैसे का कांटा लगता, कहां अपने ही कमजोर संस्कारों का कांटा लगता, चारों ओर कांटे ही कांटे नजर आते हैं। फिर चिल्लाते हैं अब साथी आकर बचाओ, तो साथी भी कहते हैं कदम पर कदम रखने के बजाय और रास्ते पर गए क्यों? जब साथी साथ देने के लिए स्वयं ऑफर कर रहे हैं,
फिर साथी को छोड़ते क्यों? किनारा करना अर्थात सहारा छूटना, अकेले बनते क्यों हो? हद के साथ की आकर्षण चाहे किसी संबंध की, चाहे किसी साधन की, अपने तरफ आकर्षित करती है। इसी आकर्षण के कारण साधन को व विनाशी संबंध को अपना साथी बना लेते हो व सहारा बना देते हो, तब अविनाशी साथी से किनारा करते हो और सहारा छूट जाता है। आधा कल्प इन हद के सहारे को सहारा समझ अनुभव कर लिया कि यह सहारा है व दलदल है, फसाया, गिराया व मंजिल पर पहुंचाया। अच्छी तरह अनुभव किया ना, एक जन्म के अनुभवी तो नहीं हो ना, 63 जन्मों के अनुभवी हो, और भी एक दो जन्म चाहिए। एक बार धोखा खाने वाला दोबारा धोखा नहीं खाता है। अगर बार बार धोखा खाता है तो उसको भाग्यहीन कहा जाता है। अब तो स्वयं भाग्य विधाता ब्रह्मा बाप ने सभी ब्राह्मणों के जन्म पत्री में श्रेष्ठ भाग्य की लंबी लकीर खींच ली है ना। भाग्य विधाता ने आपका भाग्य बनाया है। भाग्य विधाता बाप होने के कारण हर ब्राह्मण बच्चे को भाग्य के भरपूर भंडार का वर्षा दे दिया है। तो सोचो, भाग्य के भंडार के मालिक के बालक, उसको क्या कमी रह सकती है? मेरा भाग्य क्या है सोचने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि भाग्य विधाता बाप बन गया तो बच्चे को भाग्य के जायदाद की क्या कमी होगी? भाग्य के खजाने के मालिक हो गए ना। ऐसे भाग्यवान कभी धोखा नहीं खा सकते हैं। इसलिए सहज रास्ता कदम पर कदम उठाओ, स्वयं ही स्वयं को उलझन में डालते हो, साथी का साथ छोड़ देते हो। सिर्फ यह एक बात याद रखो कि हम श्रेष्ठ साथी के साथ हैं। वेरीफाई करो तो सदा स्वयं से सेटिस्फाई रहेंगे। समझा? सहज रास्ता, सहज को मुश्किल नहीं बनाओ। संकल्प में भी कभी मुश्किल अनुभव नहीं करना। ऐसे दृढ़ संकल्प करने आता है ना कि वहां जाकर फिर कहेंगे कि मुश्किल है। बाप दादा देखते हैं कि नाम सहज योगी है और अनुभव मुश्किल होता है। मानते अपने को अधिकारी है और बनते अधीन है ऐसे भाग्य विधाता के बच्चे, और सोचते हैं पता नहीं मेरा भाग्य है वा नहीं, शायद यही मेरा भाग्य है। इसलिए अपने आप को जानो और सदा स्वयं को हर समय के साथी समझ चलते रहो। अच्छा, ऐसे सदा हर कदम पर कदम रखने वाले, फॉलो फादर करने वाले, सदा हर संकल्प में साथी का साथ अनुभव करने वाले, सदा एक साथी दूसरा ना कोई, ऐसे प्रीत निभाने वाले सदा सहजयोगी श्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात कुमारियों से। पहला, कुमारिया अर्थात कमाल करने वाली, साधारण कुमारिया नहीं, अलौकिक कुमारिया हो। लौकिक इस लोक की कुमारिया क्या करती और आप अलौकिक कुमारिया क्या करती हो? रात दिन का फर्क है। वह दे अभिमान में रहा औरों को भी दे अभिमान में गिराती, और आप सदा देही अभिमानी बन स्वयं भी उड़ती और दूसरों को भी उड़ाती, ऐसी कुमारियां हो ना। जब बाप मिल गया तो सर्व संबंध एक बाप से सदा है ही। पहले कहने मात्र थे, अभी प्रैक्टिकल है। भक्ति मार्ग में भी गायन जरूर करते थे कि सर्व संबंध बाप से है, लेकिन अब प्रैक्टिकल सर्व संबंधों का रस बाप द्वारा मिलता है। ऐसे अनुभव करने वाली होना, जब सर्व रस एक बाप द्वारा मिलता है तो और कहां भी संकल्प जा नहीं सकता। ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी रत्न सदा गाए और पूजे जाते हैं, तो विजयी आत्माएं हैं,
सदा स्मृति के तिलक धारी आत्माएं हैं, ये स्मृति रहती है। इतनी कुमारियां कौन सी कमाल करेंगे, सदा हर कर्म द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करेंगी, हर कर्म से बाप दिखाई दे। कोई बोल भी बोलो तो ऐसा बोल हो जो उस बोल में बाप दिखाई दे। दुनिया में भी कोई बहुत अच्छा बोलने वाले होते हैं तो सब कहते हैं इसको सिखाने वाला कौन, उसके तरफ दृष्टि जाती है। ऐसे आपके हर कर्म द्वारा बाप की प्रत्यक्षता हो, ऐसी धारणा मूर्त दिव्य मूर्त यह विशेषता है। भाषण करने वाले तो सभी बनते हैं, लेकिन अपने हर कर्म से भाषण करने वाले वह कोटों में कोई होते हैं तो ऐसी विशेषता दिखाएंगे ना। अपने चरित्र द्वारा बाप का चित्र दिखाना अच्छा। दूसरा, कुमारियों का झुंड है, सेना तैयार हो रही है। वह तो लेफ्ट राइट करते, आप सदा राइट ही राइट करते। यह सेना कितनी श्रेष्ठ है, शांति द्वारा विजयी बन जाते, शांति से ही स्वराज्य पा लेते। कोई हलचल नहीं करनी पड़ती है तो पक्की शक्ति सेना की शक्तियां हो, सेना छोड़कर जाने वाली नहीं। स्वप्न में भी कोई हिला न सके, कभी भी किसी के संग दोष में आने वाले नहीं, सदा बाप के संग में रहने वाले, दूसरे के संग में नहीं आ सकते। तो सारा ग्रुप बहादुर है ना, बहादुर क्या करते हैं, मैदान पर आते हैं। तो हो सभी बहादुर, लेकिन मैदान पर नहीं आई हो। बहादुर जब मैदान पर आते हैं तो देखा होगा कि बहादुर की बहादुरी में बैंड बजाते हैं। आप भी जब मैदान पर आएंगी तो खुशी की बैंड बजेगी। कुमारियां सदा ही श्रेष्ठ तकदीरवान है। कुमारियों को सेवा का बहुत अच्छा चांस है और मिलने वाला भी है, क्योंकि सेवा बहुत है और सेवाधारी कम है। जब सेवाधारी सेवा पर निकलेंगे तो कितनी सेवा हो जाएगी, देखेंगे कुमारियां क्या कमाल करती है। साधारण कार्य तो सब करते हैं, लेकिन आप विशेष कार्य करके दिखाओ। कुमारियां घर का श्रृंगार हो, लौकिक में कुमारियों को क्या भी समझे, लेकिन पारलौकिक घर में कुमारियां महान है। कुमारियां हैं तो सेंटर की रौनक है, माताओं के लिए भी विशेष लिफ्ट है। पहले माता गुरु है, बाप ने माता गुरु आगे किया है, तब भविष्य में माताओं का नाम आगे है। अच्छा, टीचर्स के साथ, टीचर्स अर्थात बाप समान, जैसे बाप वैसे निमित्त सेवाधारी। बाप भी निमित्त है तो सेवाधारी भी निमित्त आत्माएं हैं। निमित्त समझने से स्वतः ही बाप समान बनने का संस्कार प्रैक्टिकल में आता है। अगर निमित्त नहीं समझते तो बाप समान नहीं बन सकते। तो एक निमित्त, दूसरा सदा न्यारा और प्यारा, यह बाप की विशेषता है। प्यारा भी बनता और न्यारा भी रहता, न्यारा बनकर प्यारा बनता है। तो बाप समान अर्थात अति न्यारे और अति प्यारे, औरों से न्यारे और बाप से प्यारे, यह समानता है। बाप की यही दो विशेषताएं हैं। तो बाप समान सेवाधारी भी ऐसे हैं। इसी विशेषता को सदा स्मृति में रखते हुए सहज आगे बढ़ती जाएंगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जहां निमित्त है वहां सफलता है ही, वहां मेरापन आ नहीं सकता। जहां मेरापन है वहां सफलता नहीं। निमित्त भाव सफलता की चाबी है। जब हद का लौकिक मेरापन छोड़ दिया तो फिर और मेरा कहां से आया। मेरे के बजाय बाबा बाबा कहने से सदा सेफ हो जाते। मेरा सेंटर नहीं, बाबा का सेंटर। मेरा जिज्ञासु नहीं, बाबा का। मेरा खत्म होकर तेरा बन जाता, तेरा कहना अर्थात उड़ना। तो निमित्त शिक्षक अर्थात उड़ती कला के एग्जाम्पल। जैसे आप उड़ती कला के एग्जाम्पल बनते, वैसे दूसरे भी बनते हैं।
न चाहते भी जिसके निमित्त बनते हो उसमें वह वाइब्रेशन स्वतः ही आ जाते हैं, तो निमित्त शिक्षक सेवाधारी सदा न्यारे हैं, सदा प्यारे हैं। कभी भी कोई पेपर आवे तो उसमें पास होने वाले हैं, निश्चय बुद्धि विजयी है। पार्टियों से पहला सदा स्वयं को डबल लाइट फरिश्ता अनुभव करते हो, फरिश्ता अर्थात जिसकी दुनिया ही एक बाबा हो। ऐसे फरिश्ते सदा बाप के प्यारे हैं। फरिश्ता अर्थात देह और देह के संबंधों से कोई आकर्षण नहीं, निमित्त मात्र देह में है और देह के संबंधियों से कार्य में आते हैं, लेकिन लगाव नहीं, क्योंकि फरिश्तों के और कोई से रिश्ते नहीं होते। फरिश्ते के रिश्ते एक बाप के साथ हैं। ऐसे फरिश्ते होना, अभी अभी देह में कर्म करने के लिए आते और अभी अभी देह से न्यारे। फरिश्ते सेकंड में यहाँ, सेकंड में वहाँ, क्योंकि उड़ने वाले हैं। कर्म करने के लिए देह का आधार लिया और फिर ऊपर, ऐसे अनुभव करते हो। अगर कहाँ भी लगाव है, बंधन है, तो बंधन वाला ऊपर नहीं उड़ सकता, वह नीचे आ जाएगा। फरिश्ते अर्थात सदा उड़ती कला वाले, नीचे ऊपर होने वाले नहीं, सदा ऊपर की स्थिति में रहने वाले, फरिश्तों के संसार में रहने वाले। तो फरिश्ता स्मृति स्वरूप बने तो सब रिश्ते खत्म। ऐसे अभ्यासी होना, कर्म किया और फिर न्यारे। लिफ्ट में क्या करते हैं, अभी अभी नीचे, अभी अभी ऊपर। नीचे आए, कर्म किया और फिर स्विच दबाया और ऊपर, ऐसे अभ्यासी। अच्छा, ओम शांति। दूसरा, सभी रूहानी गुलाब होना, मोतिया हो या गुलाब, जैसे गुलाब का पुष्प सब पुष्पों में से श्रेष्ठ गाया जाता है, ऐसे रूहानी गुलाब अर्थात श्रेष्ठ आत्माएं। रूहानी गुलाब सदा रूहानियत में रहने वाला, सदा रूहानी नशे में रहने वाला, सदा रूहानी सेवा में रहने वाला, ऐसे रूहानी गुलाब हो। आजकल के समय प्रमाण रूहानियत की आवश्यकता है। रूहानियत न होने के कारण ही यह सब लड़ाई झगड़े हैं। तो रूहानी गुलाब बन रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले, यही ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन है। सदा इसी ऑक्यूपेशन में बिजी रहो। वरदान, ब्रह्मा बाप समान जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले, कर्म के बंधनों से मुक्त भव। विस्तार है, ब्रह्मा बाप कर्म करते भी कर्मों के बंधन में नहीं फंसे, संबंध निभाते भी संबंधों के बंधन में नहीं बंधे, वे धन और साधनों के बंधन से भी मुक्त रहे, जिम्मेवारियां संभालते हुए भी जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव किया। ऐसे फॉलो फादर करो, किसी भी पिछले हिसाब किताब के बंधन में बंधना नहीं। संस्कार, स्वभाव, प्रभाव और दबाव के बंधन में भी नहीं आना, तब कहेंगे कर्म बंधन मुक्त, जीवन मुक्त। स्लोगन, अपनी आत्मिक वृत्ति से प्रवृत्ति की सर्व परिस्थितियों को चेंज कर दो। ओम शांति। टू वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोस ऑन यूट्यूब, सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/tvpeaceofmind। जस्ट अ क्लिक फॉर अ पीसफुल लाइफ।